अभी जहाँ मुझे आना था मैं आ चुका हूँ। इनको काफ़ी मिस कर रहा था। तो आप सभी को राम राम और आप सभी का चैनल पे स्वागत है। तो अभी सुबह के 6:15 बजे हुए हैं और मैं इस समय, मेरा दो प्लान था, एक तो नीति की तरफ बद्रीनाथ और एक था चक्रात्ता। तो फिर मैंने डिसाइड करा चक्रात्ता ही चलता हूँ क्योंकि ये नज़दीक भी है, वो ज़्यादा दूर हो जाता और उसमें काफ़ी टाइम भी लगता। तो काफ़ी दिन हो गए थे तो मेरा टूर भी कहीं नहीं लगा था और गुड़गांव तो मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था क्योंकि NCR में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता नहीं है। मेरा तो ऐसा दिल करता है यहीं पहाड़ों में आके बस जाऊं और आराम से यहाँ पे इंजॉय करूं। तो इसलिए माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैं रात को चला था, तकरीबन 10:30, 10:15, 10:30 बजे के आसपास चला था। तो सुबह मैं 5:30, 5 बजे चकराता आ गया था। और ठंड तो है काफ़ी, यहाँ पे 10 का टेम्परेचर है। और जो मैंने रोड लिया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, गुड़गांव से मैंने मेरठ एक्सप्रेस वे लेकर मुजफ्फ़रनगर, मुजफ्फ़रनगर से मैंने देवबंद, देवबंद से सहारनपुर, सहारनपुर से मैंने सीधा आपका विकास नगर का रोड पकड़ा था। तो ये रोड ठीक है, सहारनपुर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ा रोड सिंगल है, डबल नहीं है, तो थोड़ा वहाँ सावधानी बरतनी पड़ेगी आप लोगों को क्योंकि वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और अभी तो देखता हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, कहाँ जाऊँ आगे। तो यहाँ पे 3-4 जगह है तो वे मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो होटल भी अभी नहीं खुला था तो इसलिए फिर मैं सीधा यहाँ पे आ गया। तो ये देख लीजिए कितना सुंदर सुबह का व्यू है और काफ़ी अच्छा ही है। मैं आपको ये देखिए, ये मैं आया हूँ इस रोड से, चक्राता क्रॉस करके आ गया इस पे घूमने के लिए क्योंकि होटल तो चेक इन मेरा 11 बजे के आसपास है। और ये व्यू देख लीजिए, तो आप लोग भी इसको काफ़ी मिस कर रहे होंगे, मेरी YouTube फैमिली। मैं तो इसको काफ़ी मिस कर रहा था क्योंकि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था और काफ़ी दिन हो गए थे। इस बार तो 2-2.5 महीने हो गए कि मैं कहीं जा नहीं पाया, नहीं तो मैं 1 या 1.5 महीने के अंदर कहीं ना कहीं का टूर लगा देता हूँ क्योंकि बिजी भी था, काम भी ज़रूरी था। और जो ये है, मुझे किलोमीटर 350 किलोमीटर पड़ा है आपका चक्राता गुड़गांव से। तो पेट्रोल पंप आपके मुजफ्फरनगर तक अच्छे हैं लेकिन उसके बाद विकास नगर में ज़्यादा खास नहीं है। जो पेट्रोल की क्वालिटी है, जैसे स्पीड नहीं मिला मुझे, नॉर्मल डलवाना पड़ा। तो आप मुजफ्फरनगर या सहारनपुर से डलवा ले तो काफ़ी बेटर है क्योंकि वहाँ काफ़ी अच्छे पेट्रोल पंप है और बीच में काफ़ी मैजे चेक पोस्ट भी मिले। और आँख आँख देख रहे होंगे लाल हो रही है, आप सोच रहे होंगे ड्रिंक कर रही होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ड्रिंक करेंगे तो वो भी करेंगे क्योंकि इन्जॉय करने आए हैं। अब 3 दिन का टूर यहीं पे है तो इन्जॉय नहीं किया तो फ़ायदा क्या फिर आने का। तो मैं तो ये काफ़ी खूबसूरत व्यू देख के काफ़ी, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा मुझे पहाड़ों में आके बेहद। ये चारों तरफ देख लीजिए क्या हरियाली हरियाली है, ये देखिए। और मैंने गाड़ी यहाँ रोक ही ली, मैं कहा चलो यहाँ पे रोकता हूँ, थोड़ा फ़ोटो खींचता हूँ। लेकिन फ़ोटो तो ये है कि अकेले में दिक्कत हो रही है, जो मेरी सेल्फी स्टिक है वो भी प्रॉब्लम कर रही है। तो देखते आगे चल के फ़ोटो लेंगे और कुछ आपको चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे तो वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और बाबा भली करें।